बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियों का दौर जारी है। इसी दौर में एक बार फिर पीएम मोदी ने कांथी में रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख को घेरा है। आपको बता दें कि कांथी की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने फिर कहा कि 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस धरती पर कोई भी बाहरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि जो युवा पहली बार वोट डाल रहे हैं उनके लिए चुनाव बेहद अहम है। बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है जो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। इसी के साथ पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ममता दीदी आज बंगाल के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि लोगों का अनाज किसने लूटा। मोदी ने कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती है, यही खेला है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेल आज समझ गया है और 2 मई को दीदी को द्वार दिखाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि बंगाल की जनता दीदी को उनके पापों की सजा देने के लिए तैयार है। जब जनता को जरूरत होती है तब दीदी दिखाई नहीं देती। मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार यहां स्कीम को स्कैम बनाने से रोक देगी। भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए अहम वादे किए गए हैं जिनसे माताओं और बहनों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को पिछले 3 साल के पैसे दिए जाएंगे। पीएम मोदी बोले कि बीजेपी की सरकार बनते ही राज्य से तोलाबाजी को रातों रात खत्म कर देंगे। पीएम मोदी बोले कि बंगाल की भूमि पर कोई बाहरी नहीं है, गुरुदेव की धरती पर कोई बाहरी नहीं। टूरिस्ट कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है, बंगाल के लोग किसी को बाहरी नहीं मानते। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसी धरती का सीएम बनेगा और बंगाल में बीजेपी ही हिंसा दूर कर सकती है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अश्वता चौहान, पंजाब की स्टेट दिल्ली।